हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज है नौमी और कन्या पूजन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं तो दशहरा और नौमी एक ही दिन पे है। तो मैं यहाँ पर अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30, और मतलब मैं 3 बजे जगी थी और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने उधर काला चना बॉयल कर लिया है और इधर मैं बना रही हूँ हलवा। तो ये सूजी का हलवा है, तो आपको पता ही है माँ का जो प्रसाद होता है वो सूजी का हलवा और काला चना ज़रूर होता है। तो अभी मैंने काला चना को बॉईल किया है और उसको हल्के से मसाले में मैं उसको फ्राई करूँगी बस। तो बस इसीलिए मैं ये कढ़ाई खाली करूँ और इसी कढ़ाई में मैं चने को फ्राई कर लूँगी। इसको बार बार मैं मतलब इसको धोऊँगी नहीं, क्योंकि मुझे हलवा निकाला तो कढ़ाई बिल्कुल साफ़ ही थी। तो इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और डाला है मैंने इसमें जीरा, और जब जीरा चटक जाएगा और अच्छे से लाल हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है काला चना। और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें बॉईल करने के टाइम, बस बट थोड़ा सा नमक और डालूँगी। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तीनों को डालकर अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो बन गया बस ये छोले का प्रसाद। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लाइट हाँ नमक डाल रही थी, सॉरी। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ, कि आप लोग मेरे वीडियो को स्किप ना करिएगा प्लीज़। और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरा सारा खाना बन चुका है, तो यहाँ पर बस सब्ज़ी मेरी लास्ट में मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू और वाइट वाले छोले की सब्ज़ी। तो वो सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई है कुकर में और मैं यहाँ पर पूड़ियों की लोई पहले ही बना ली थी और पूड़ियाँ भी बेल कर रख ली थी, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी से पूड़ी तल जाती है। तो देखिए अब मैं लास्ट मेरा सबसे लास्ट का जो काम है वो है पूड़ी तलने का। और पूड़ी तलने के बाद मैं अभी आप देख रहे होंगे बाहर की साइड बिल्कुल अंधेरा है, क्योंकि अभी 4 या 5 साढ़े 4 हो रहे होंगे। तो मेरा खाना इस टाइम पर बन चुका है, तो बस अब हमको नहाना है। नहाने के सॉरी पहले पोछा वगैरह लगाना है रूम में और उसके बाद नहाऊँगी, और जहाँ पर मेरे को कंचका बिठानी है वहाँ भी मेरे को पोछा लगाना है। तो बस यही है आज के वीडियो में। तो यहाँ पर मेरी आरती पूजा सारी ख़त्म हो चुकी है और मैंने नीचे कंचकों को भी बिठा दिया है, क्योंकि कंचके पता है आपको नहीं मिलती है। तो मुझे भी अभी देखती हूँ कितनी कन्या मिलती हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड फोड़ रहे नारियल, जो कि प्रसाद में हमने जो चढ़ाया था 9 दिन तक चढ़ा हुआ था, आज इसको प्रसाद में तोड़कर फिर सारी कंचिकाओं को प्रसाद बांटेंगे इसका। तो बस अभी सारा सामान लेकर हम लोग चलेंगे नीचे, और आ चुके हैं हम लोग नीचे वाले रूम में। और यहाँ पर मैं कंचक के पैर को धो रही हूँ, तो धोने के बाद मैंने जो आसन है वो लगा दिया है। तो बस सबको वहाँ पर बिठाऊँगी, उसके बाद जो जो आगे आगे होता है वो करूँगी। तो देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए मेरा बाबू भी बैठा हुआ है और यहाँ पर अभी 4 ही कन्या हैं, क्योंकि नई मिल रही हैं कन्या, 9 कन्या तो बहुत ही मुश्किल ही है मिलना। तो बस मैंने सोचा जब 5 मिल जाएंगी तो 5 को ही जमा दूँगी, क्योंकि आज पता है आपको 9 भी बिल्कुल सुबह सुबह तक ही हैं, तो हर किसी को जल्दी है। तब 9 का वेट करेंगे जब तक, तो फिर 10 में लग जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 मिली हैं तो मैं 5 के ही कन्या पूजन करूँगी। तो मैं यहाँ पर रोली और का लगा रही हूँ तिलक, और तिलक लगाने के बाद सबको तिलक लगाऊंगी, उसके बाद मैं सबको कलावा बांधूंगी और फिर उसके बाद चुंदरी बांधूंगी और उसके बाद कंचका बिठाएंगे, कंचका को प्रसाद खिलाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर दोनों कंचका पूजन कर रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन तक हम लोग वेट करते हैं, और जब तक कन्या पूजा ना करो तो जो हम नवरात्र का जो व्रत रखते हैं वो हमारा व्रत अधूरा होता है, क्योंकि जब माता रानी को, यही तो जो असली माता रानी होती है जो भोग लगाती है, बाकी भगवान को तो एक हम अपने उसके लिए संतुष्टि के लिए भोग लगाते हैं, बट जो ये कंजिका जो प्रसाद खाती हैं, जो भोग लगाती हैं, वो ही असली भोग होता है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो कंजिका पूजन ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना कहा जाता है कि जो नवरात्र का व्रत होता है वो अधूरा होता है। मुझे, मैंने सुना है ऐसा, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं ससुराल में ये पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी ससुराल में 9 दिन मतलब नवरात्र करती थी तो मुझे कंजका नहीं मिलती थी, तो मैं नहीं बिठाती थी कंजका, बट मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो यहाँ पर कंजका मिल जाती हैं। तो जब इजीली कंजका मिल रही है तो हमें इनके पूजन करने में क्या प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए मैंने कर ली है यहाँ पर कंजका की पूजन, और यहाँ पर सारे बच्चे खा रहे हैं प्रसाद। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखिए आगे आगे और क्या देखने को मिलता है आपको। आज मेरे जो भांजा है वो आए हुए हैं घर पे, तो वो बना रहे हैं चाय यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं आप। बोलते हैं कि इन्होंने बोला कि मामी मैं बनाऊंगा चाय, मैंने कहा ठीक है बनाइए चाय, अपने हाथ की चाय पिलाइए। तो बस हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे।